टर्बो चार्जर दोनों में देते हैं। यहाँ का इंजन में टर्बो चार्जर, ऑक्सिलरी इंजन में भी टर्बो चार्जर और टू स्ट्रोक इंजन से भी टर्बो चार्जर दोनों में टर्बो। ये है आपको टू स्ट्रोक इंजन, ये जो हम बताया देखो ये क्रैंक सेट बताया, क्रैंक वेफ बताया, क्रैंक जनरल बताया, कनेक्टिंग रॉड बताया, पिस्टन बताया, ये है पिस्टन, पिस्टन के साथ क्या क्या है बताया, कैमशाफ्ट बताया, फ्यूल इंजेक्टर बताया, एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व बताया, देखो ये है वाल्व, वाल्व स्टेम, वाल्व रॉड, टैप एक्चुएटर सभी बताया। ये है टू स्ट्रोक इंजन, इसका अंदर में करीब करीब हम बताया, लेकिन ऐसा कुछ पार्ट्स है जो टू स्ट्रोक में ही है, फोर स्ट्रोक में नहीं रहता वो रखा है लो वाल्व के लिए, जैसा सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेटर। यस सर, ये है सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेटर, ये टू स्ट्रोक इंजन का पार्ट्स, ये फोर स्ट्रोक में नहीं रहते। और क्या सबसे नीचे है आपको क्रोसेट, टू-स्ट्रोक इंजन को कहते हैं इनलाइन क्रोसेट टाइप इंजन, इनलाइन क्रोसेट टाइप इंजन, फोर स्ट्रोक ट्रंक टाइप इंजन, ट्रंक ड्राइव इंजन, ये जो इनलाइन क्रोसेट टाइप इंजन इसी के अंदर रहते हैं क्रॉस हेड, क्रॉसेट के अंदर रहते हैं क्रॉसेट बियरिंग और गाइड एंड शू, इसी के अंदर रहते हैं क्रॉसेट बियरिंग। देखो ये मैनुअली पाइप से, ऑक्सिलरी पाइप से डुबल लेके ये बियरिंग के अंदर सप्लाई करता है, दिखता है, ये है कनेक्ट, और ये यहाँ पे डिवाइड होता है, ये एक बार ऊपर जाते हैं एक बार नीचे आता है, इसीलिए देखो बीच में बियरिंग लगा दिया, बीच में एक तो पाइप लगा दिया, इस पाइप के अंदर से अंदर में जो बियरिंग है, बियरिंग में लुब्रिकेटिंग किया जाते है। इंजन के अंदर जितना रोटेटिंग पार्ट्स सभी पार्ट को लुब ऑयल सप्लाई करना, लुब ऑयल का काम है। यस सर, तो ये है मैनुअली पाइप, मैनुअली पाइप से देखो ऑक्सिलरी पाइप कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होके क्या करेगा, ये अंदर में जो क्रॉसेट टाइप जो बियरिंग है इसका नाम है क्रॉस हेड, पूरा क्रॉसेट के अंदर रखते हैं क्रॉसेट बियरिंग, और ये जो प्लेट लगाया इसको कहते हैं सिंपल गाइड, गाइड एंड शू, ये इनलाइन क्रॉसेट टाइप इंजन में ही रहते हैं। अगर ये फोर स्ट्रोक रहता था, ये देखो ये है कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड गया, ये बॉटम एंड बियरिंग, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रॉसेट, अगर ये फोर स्ट्रोक रहता था तो इसी जगह में हो जाता था पिस्टन, पिस्टन विद कनेक्टिंग रॉड। फोर स्ट्रोक इंजन को कहते हैं ट्रंक टाइप इंजन, डीजल इंजन, डीजल इंजन डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड विद पिस्टन जुड़े हैं, डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड विद पिस्टन ये जुड़े हैं, ये हो जाएगा आपको ट्रंक टाइप फोर स्ट्रोक इंजन, ये हो जाएगा आपको इनलाइन क्रोसेट टाइप टू स्ट्रोक इंजन। तो ये है टू स्ट्रोक, ये है क्रोसेट, और ये रहते हैं आपको सिंपल गाइड, गाइड एंड शू, सिंपल गाइड, सिंपलर गाइड जो बैलेंस को संभालता है, ये जो यहाँ से इतना जो सफर यहाँ से यहाँ तक जो टीडीसी बीडीसी करते हैं, जो अप एंड डाउन करते हैं, ये गाइड एंड शू का वजह से किया जाता है, और अंदर में रहते हैं क्रॉसेट बियरिंग, बियरिंग रहने से क्या होता है यहाँ पे लूब ऑयल सप्लाई किया जाता है, ये है ऑक्सिलरी पाइप से, ये देखो डिवाइड हुआ ना पाइप, ये कभी सीधा हो जाते हैं,
कभी बैंड हो जाती है, इसी के अंदर से हमारा लूवर सप्लाई किया जाता है। तो ये है क्रॉसेट। क्रॉसेट का इंजिन एक्चुअली इसकी को पकड़ के इसी को कह जाते हैं हमारा इनलाइन क्रॉसेट टाइप इंजिन, मतलब स्ट्रोक डीजल इंजन। एक तो पार्ट्स जिसका नाम है क्रॉसेट, क्रॉसेट के अंदर रखते हैं क्रॉसेट बियरिंग और सिल्वर गाइड। क्लियर? सिल्वर गाइड। सिल्वर गाइड क्या है? एक तो बैलेंस को संभालता है, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है इसी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ये क्या कहते हैं, हिलने लगते हैं। और गाइड होने से क्या होगा, ये प्लेट को छू के पिस्टन रॉड एक बार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ये है गाइडेंस शू। ये देखो एक तो प्लेट खड़ा कर दिया, दिखता है? ये देखो लंबा एक तो प्लेट, और ये प्लेट को छू के पिस्टन ए क्रॉसेट एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। ये है इनलाइन क्रॉसेट टाइप इंजन। क्रॉसेट के अंदर रहते हैं सिल्वर गाइड और क्रॉसेट बियरिंग। ये है बियरिंग अंदर में, और ये देखो बियरिंग को कट के दिखाया अंदर में, ये बियरिंग प्लेट को कटिंग करके पिक्चर को वही चीज इधर होना चाहिए। हाँ समझे। इसके बाद आ जाएगा क्रॉसेट के साथ जोड़ दिया जाएगा पिस्टन रॉड, जो एक्स्ट्रा क्रॉसेट भी फोरस्ट्रोक में नहीं है और पिस्टन रॉड भी फोरस्ट्रोक में नहीं है। और ये पिस्टन रॉड को बजाय से क्रॉसेट और पिस्टन रॉड रहने से फोरस्ट्रोक इंजन का लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा, अगर ये नहीं रहता था ऑक्सिलर इंजन का हाइट इतना रहता, ये फालतू है। तो ये फालतू नहीं है, ऐसा करके उसको बनाया और ऐसा करके उसको काम किया जाता है। ये है पिस्टन रॉड। क्या है? पिस्टन रॉड। ये है पिस्टन, पिस्टन ये है पिस्टन रॉड, ये ऊपर में है देखो पिस्टन। पिस्टन के साथ रहते है पिस्टन रिंग। पिस्टन ट्विस्टोक इंजन दो टाइप्स का रिंग, ये ऑयल रिंग, बीच में ये सबसे ऊपर है कंप्रेसर रिंग, कंप्रेसर रिंग, और नीचे देखो कंप्रेसर को छोड़ के लगाया ऑयल स्कैपर। ट्विस्टोक इंजन में दो टाइप्स का रिंग, कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्कैपर। ट्विस्टोक पिस्टन में ऑयल रिंग नहीं रहते, क्यों? इसका ऑयल को सप्लाई करने के लिए ये जो फोरस्ट्रोक इंजन में ये जो फ्लैश लुब्रिकेशन रहते हैं, क्रैंक वेफ जो तेल के लाइनर और पिस्टन को सप्लाई करते हैं, ये ट्विस्टोक इंजन में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? देखो ये डुबल सम्प, यस सर, अगर ये फोरस्ट्रोक रहता था, ये डुबल सम्प ये है आपको क्रैंक वेव, तो कहाँ क्रैंक वेव और कहाँ लाइनर, तो इतना लेंथ, ये देखने से इतना लेंथ, कम से कम कितना प्लेटफॉर्म, एक दो तीन चार, यहाँ से ये 10 फुट, यहाँ से ये 10 फुट, 20 फुट ऊंचा है, 20 फीट समझे। तो 20 फुट में ये तेल यहाँ से थोड़ी जाएगा लाइनर में, नहीं। ये जो फंक्शन फोरस्ट्रोक इंजन में क्रैंक वेव लाइनर, क्रैंक वेव जो फ्लैश लुब्रिकेशन करते हैं, ये फ्लैश लुब्रिकेशन ट्विस्टोक में होना मुश्किल है, नहीं है। इसका लेंथ ज़्यादा होने का कारण से, और लेंथ का सेप नहीं है, यहाँ पे एक तो रहते हैं पिस्टन रॉड ग्लैंड, जो ये इसको कहते हैं
पिस्टन रॉड ग्लैंड कौन सर पिस्टन रॉड ग्लैंड दूसरा नाम है स्टफिंग बॉक्स स्टफिंग बॉक्स पिस्टन रॉड ग्लैंड इसका दूसरा नाम है स्टफिंग बॉक्स प्रिवेंट द लीकेज लीकेज को रोकता है हम लोग भारत में देखे हैं स्टफिंग बॉक्स प्रिवेंट द लीकेज लीकेज को रोकता है स्टफिंग बॉक्स के अंदर क्या रहते हैं ग्लैंड पैकिंग भारत में हम लोग क्या देखे हैं स्टफिंग बॉक्स के अंदर ग्लैंड पैकिंग तो ये जो स्टफिंग बॉक्स है इसी के अंदर भी पैकिंग रहेगा यस सर हां तो ये पैकिंग ऐसा हां धागा का पैकिंग नहीं रस्सी का पैकिंग नहीं कौन सा पैकिंग मेटल पैकिंग क्यों सर मेटल से हीट हुआ है इसका इंजन का आरपीएम का हिसाब से पिस्टन रन अप एंड डाउन करेगा नहीं सर इंजन का जितना आरपीएम है उसी आरपीएम का हिसाब से पिस्टन रॉड अप एंड डाउन करे तो ये जितना स्पीड से पिस्टन रॉड अप एंड डाउन करे ये जो पिस्टन रॉड और ये है पिस्टन रॉड ग्लैंड ये इतना क्विकली इतना इजी अप एंड डाउन करता है अगर ग्लैंड पैकिंग जो धागा का जैसा तुम लोग का दिखाया अगर ये पैकिंग यहाँ दिया जाए ये घंटा भी रोक नहीं पाएगा लीकेज होना चलना तो दूर बात है सपोर्ट नहीं कर और ये इसीलिए ये स्टफिंग बॉक्स मतलब पिस्टन रॉड ग्लैंड के अंदर दो टाइप का रिंग कर दिया देखता है रिंग कटिंग देखता है पिस्टन रिंग जैसा है यहाँ पे ऐसा बना दिया और ये रिंग क्या करता है पिस्टन रॉड को अच्छी तरीका से जगड़ के रखता ऐसा जगड़ के रखता है जो पिस्टन रॉड आसानी से अप एंड डाउन कर सके नहीं समझे ये पिस्टन रॉड को ऐसी तरीके से इसको जगड़ के रखते हैं जो अप एंड डाउन पानी का माफी जैसा पानी रहते हैं पानी का माफी अप एंड डाउन कर सके पानी का लेयर इसलिए ये जो अंदर में जो रिंग दो टाइप्स का रिंग सिलेंडर का लीकेज को रोकता है ये सिलेंडर और ऑयल स्कैपर में ये अंदर में रहते हैं सिलेंडरिंग और ऑयल स्कैपर में अलग मेटल से बनता है इसको कुल क्या बताया बाद में बताया इतना ख्याल रखो इसका नाम है स्टफिंग बॉक्स प्रिवेंटर लीकेज को रोकता है कौन सा लीकेज ऐसा यहाँ पे कौन सा चीज है जो इसी के अंदर से आना जाना कर सके ब्लू बॉय हाँ ब्लू बॉय कहाँ ब्लू बॉय लेकिन टू स्ट्रोक में तो रहेगा नहीं 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 टू स्ट्रोक में तो रहेगा ब्लू बॉय यहाँ कहाँ यहाँ पे ब्लू बॉय कहाँ टू स्ट्रोक में ब्लू बॉय इसमें दिया जाएगा जो लाइनर लुब्रिकेट बस यहाँ पे एक ट्रक छेड़ा है ये लाइनर लुब्रिकेट और यहाँ पे ब्लू बॉय पिस्टन रॉड ग्लैंड इसका दूसरा नाम है स्टफिंग बॉक्स वाटर के लीकेज को वाटर लीकेज को ये कौन सा लीकेज जो अंदर से लीक होने का वजह से इंजन का डिस्टर्ब होगा इंजन चलेगा नहीं सर वाटर इसी का बाजू में ये जो पिस्टन रॉड ग्लैंड इसी के ऊपर रहते हैं सिलेंडर लाइनर ये जो सफेद वाला जो है ये है सिलेंडर लाइनर क्लियर
हम लोग का मालूम है लाइनर के अंदर अगर छेदा रहे तो टू स्टॉप अगर छेदा ना रहे तो फोर स्टॉप। मालूम है ये छेदा से क्या जाते हैं? लुबल पानी सर, कूलिंग के लिए नहीं सर, लाइनर के बगल में एयर। इसका नाम है स्कैवेंज कोट। स्कैवेंज कोट यस सर। ये इंजन का हवा जाने का रास्ता। ट्यूबस्टॉप का बोला है, पहले बताया इसका इनलेट नहीं होगा, ट्यूबस्टॉप का इनलेट नहीं होगा। देखो आगे नहीं जल्दी छाड़े तो ख्याल करो, हमारे घर आज के उन्हें सब लॉक हुए हैं। ये है स्कैवेंज पोर्ट, ये है स्कैवेंज पोर्ट। इसी पोर्ट से इंजन के अंदर हवा घुसता है, यहाँ से हवा जाती है, ये हवा घूम देता है टर्बोचार्जर, प्रेशराइज्ड एयर। ये हवा सप्लाई करता है टर्बोचार्जर, ये एटमॉस्फेयर हवा को खींचता है, खींच के लाइनर के अंदर घुसाती है। किसके वजह से घुसाते हैं? स्कैवेंज पोर्ट का वजह से। बताया ट्विस्टर इंजन का इनलेट नहीं होता, इसको कहते हैं स्कैवेंजिंग। और ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये है एयर इनटेक मैनिफोल्ड। ये टर्बोचार्जर जो हवा देता है यही हवा इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाती है। ये हवा क्या करेगा, यहाँ पे आके स्टोर होगा, यहाँ पे रहेगा स्कैवेंज वाल्व। स्कैवेंज स्टॉप में नहीं है, स्कैवेंज वाल्व नॉन रिटर्निंग वाल्व, ये है स्कैवेंज वाल्व नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये इसी जगह में रहेगा, इस गैप में, देखिए जो गैप है, यहाँ पे हवा आके स्टोर होगा। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आएगा, अंदर में क्या होगा, एक तो वैक्यूम पैदा होगा, वैक्यूम मालूम है एकदम वैक्यूम, यहाँ पे फोरस्ट्रोक अगर होगा और सक्शन होता है, मतलब यहाँ पे इनलेट वाल्व, यहीं पे एग्जॉस्ट वाल्व। पिस्टन जब ऊपर से नीचे आएगा इनलेट वाल्व खुल जाएगा, तो यहाँ पे तो इनलेट नहीं है, दिख रहा है एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर, पांच सिलेंडर, छह सिलेंडर, ये है छह सिलेंडर। छह सिलेंडर के लिए एक ही वाल्व है, एक ही वाल्व है। उसी दिन बताया अगर दो रकरन होगा एक सिलेंडर के लिए, दो दो रकरन होगा तो फोर स्ट्रोक, अगर एक रकरन होगा तो टू स्ट्रोक। ये है देखो, ये है एक ही वाल्व है जो है एग्जॉस्ट वाल्व, ये है एक ही वाल्व है जो है एग्जॉस्ट वाल्व, समझिए। ये पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आएगा, अगर यहाँ पे इनलेट रहता था तो हवा आ जाता, क्यों यहाँ पे एग्जॉस्ट है, ये जब आएगा ये वाल्व बंद हो जाए, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आएगा यहाँ पे क्या होगा, बोला है अंदर में एक वैक्यूम पैदा होगा, इनलेट तो नहीं है, जबरदस्ती वैक्यूम करके पिस्टन आ जाए, अंदर में क्या है कुछ नहीं है। अगर थोड़ी सी गैप मिले वैक्यूम का जगह में क्या होगा, कुछ नहीं है, अगर जगह मिले तो हवा घुस जाए। तो यहाँ पे जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा ये स्कैवेंज वाल्व खुल जाएगा, वैक्यूम है,
जब भी भार खुल जाएगा स्कैमिंग भार से हवा क्या होगा अंदर नहीं समझे समझ गया वही हवा को लेके स्ट्रोक चुपा बहुत तेजी से कंप्रेस्ट करेगा तेल में टर्बोचार्जर जो हवा खींचेगा ये हवा जाएगा इंटेक मैनिफोल्ड में पीछे से कैसे जाएगा यहाँ पे कैंटीन के ऊपर देखो जो खाना खाना बनाने प्रैक्टिस होता है वो जो एक तो लाइन बनाया है यहाँ इसका काम क्या है किचन का गर्मी हवा बाहर निकालना है उसी का माफी चिमनी बनाएगा ये पीछे यहाँ से जो हवा खींचेगा उसी का मार्फत हवा क्या करेगा ये एयर इंटेक मैनिफोल्ड में चला जाएगा ये स्कैविंग पोर्ट तक जाए जाके खड़ा रहे जब भी पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा वैक्यूम बन गया यस सर तब स्कैविंग जब भी हवा का लाइन मिल जाएगा स्कैविंग वाल्व खुल जाएगा रिटर्न वाल्व ये भाग खुल जाए हवा क्या होगा लाइनर के अंदर सब सब वही हवा को लेके पिस्टन कंप्रेस्ट